वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ HP LaserJet Pro M1136 मल्टीफंक्शन प्रिंटर का ड्राइवर कैसे और कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में आपको इंस्टॉल करके भी बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि इसी प्रकार के वीडियो देख सकें आप सबसे पहले। तो दोस्तों, आपको गूगल क्रोम में चले आना है, देन उसके बाद सर्च बार में आपको टाइप करना है HP LaserJet Pro M1136। आप ये भी टाइप कर सकते हैं HP LaserJet M1136 MFP ड्राइवर। देन उसके बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करने के बाद आपको फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक जैसे ही करते हैं फ्रेंड्स, आपको ये लिंक HP के ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा। यहाँ पे आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार आपको यहाँ पे विंडोज़ चूज़ कर लेना है। तो मेरा विंडोज़ 7 है और 64 बिट है, तो ये यहाँ से मैं चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने पर विंडोज़ 7 64 बिट का आ गया है। देन उसके बाद इस पर क्लिक करके अपडेट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने आपके प्रिंटर का ड्राइवर शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे आपको डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये ड्राइवर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ये ड्राइवर तुरंत ही डाउनलोड हो जाएगा। ये आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है, तो ये ड्राइवर डाउनलोड हो रहा है। जब तक आप लोग फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आप लोगों के लिए इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो बना के लाता रहता हूँ, तो ये वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो ये डाउनलोड हो चुका है, तो मैं इसे यहीं से रन कर लेता हूँ। तो ओपन कर लेता हूँ, देन उसके बाद ओपन करने के बाद आपके सामने इस टाइप का कमांड आएगा, यहाँ पर रन पर क्लिक कर देना है। ये एक्सट्रैक्ट होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो भी ड्राइवर होते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, वो जिप फाइल में होते हैं। तो ये एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपके सामने एक और विंडोज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक और विंडोज़ आ गया है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सीरीज चूज़ कर लेना है। सीरीज चूज़ करने के बाद नेक्स्ट पर फिर से क्लिक करके उसके बाद ये ड्राइवर जो है आपके लैपटॉप कंप्यूटर में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर में HP LaserJet Pro MFP 1136 का ड्राइवर डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। यहाँ पे आपको अपने प्रिंटर का USB पोर्ट कनेक्ट कर देना है लैपटॉप कंप्यूटर में, देन उसके बाद ये प्रोसेस आगे शुरू हो जाएगा। उसके बाद जैसे ये इंस्टॉल होता है तो मैं आपको एक टेस्ट प्रिंट भी निकाल के दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो पर बने रहे फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, देन उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर आ चुका है, ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है। इस पर मैं टिकआउट अनटिकआउट करके देन फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये ड्राइवर जो है पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है मेरे लैपटॉप में। यहाँ पे मैं अपने प्रिंटर को चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे विंडोज़ पे क्लिक करके डिवाइस एंड प्रिंटर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सिस्टम में जो है HP LaserJet MFP 1136 का जो है ड्राइवर पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं एक टेस्ट पेज निकाल के चेक कर लेता हूँ कि पूरी तरीके से इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं टेस्ट पेज दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह का एरर नहीं आ रहा है, पूरी तरीके से जो है ये ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।